शुरुआत प्रार्थना करेंगे, हिंदी आराधना प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ आप भी मिलकर आपका अंदर दिल का अंदर आप भी प्रार्थना करो हिंदी आराधना आगे बढ़ने के लिए। स्वर्गीय पिता, आपका चरणों पर हम लोग आया है, इस रविवार में हम लोग यहाँ शामिल है। आपका दया से कृपा से आप दयालु है, महान है। हमारा लिए आपका एक लौता बेटा को यहाँ भेजकर और बलिदान किया, इसलिए हम यहाँ जिंदा है। और स्वर्ग जाने के लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया, और वो मार्ग है, सत्य है, जीवन है, यीशु मसीहा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, और जो लोग यहाँ आए सबका साथ रहिए, और हम गुनगुनाते आपका एकलौता बेटा यीशु मसीह का प्रकट कर रहे हैं, हमारा साथ रहिए। और हम अच्छी तरह ये हिंदी आराधना आगे बढ़ने के लिए आप विदा करो। शाम ग्रुप के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उन लोग आया और बोध लोग आने वाला को इकट्ठा करो। आप दयालु है, हम प्रार्थना कर रहा है, और हिंदी भाषा सीखने वाला आने वाले को एक बार आप विदा करो, उन लोग आए और यहाँ जो आपका प्रवचन सुने और आगे बढ़े। अरुणा जी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सुभाषिनी जी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उन लोग आ रहे थे और उन लोग अभी आ रहा नहीं है, उनका साथ रहिए। और अभी हिंदी आराधना प्रार्थना करने वाला और उत्तरदायी पठन पढ़ने वाला और आज का जो संदेश का जो वाक्य है वो पढ़ने वाला, और मैं हिंदी कोयर के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं जानी जो उन परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आज हिंदी आराधना के लिए कोयर को आप मजबूत बना दीजिए, और मैं आपका सेवक है खड़ा हुआ हिंदी आराधना, और हम इसके लिए चिंता ना करेंगे कि आप हमारा साथ है। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमेन। भजन संहिता अध्याय 40 पद संख्या 1 से 11 तक, स्तुति का एक गीत। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के किस से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और अभिमानी और मिथ्या की ओर से मुड़ने वालों की ओर मुँह न फेरता। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, और आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अनंत काल में बसी। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है, मैं तेरा धर्म मन में ही मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा को सभी एक साथ। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। प्रभु इस वचन पर आशीष। यीशु मसीह ने उनको आगे बढ़ाए और उसका आशीष दे। अभी समय है बाइबल पठन, मैं बुलाना जाऊंगा श्याम ग्रुप, हिब्रू चैप्टर 10 वर्सेस 5-9। आज हम लोग परमेश्वर का वचन में से सुनेंगे, इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 5-9। सिद्ध बलिदान। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और ना होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और ना उनसे प्रसन्न हुआ,
यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। अभी संदेश में जाएंगे, ज़्यादा भाषण दे रहा है। आप सोचेगा भाषण ही देते रहेगा पास्टर जी, क्योंकि आप एक बार मेरा इतना बढ़ेगा फादर बनेगा तो ये दर्द आप महसूस होगा। अभी आप लेकिन मैं बोलता हूँ सब लोग बेदर्द है हिंदी आराधन के लिए, सब लोग अपना एल्डर सब लोग भी बेदर्दी है अब उन लोग, क्योंकि उन लोग का दर्द नहीं है। क्यों कोई चलेगा आएगा पास्टर आएगा तो तनख्वाह दे रहा है तो बैग पकड़ के लाल बैग आएगा यहाँ खाते रहेगा और कुछ वाटर बॉटल ले आएगा और कुछ तो चलते रहेगा जिंदगी के चलते रहेगा, वो खोज है चलते रहेगा, वो आएगा राजू आएगा जॉनी जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब लोग इसे सीरियस से लेके करने से जो लोग आने वाला अभी देखो पवित्र आत्मा से ओ जो है वो माँ उस तो पवित्र आत्मा आ गया। ऐसे कोई लोग किस कमी में आ गया जो जॉब का पर्स में आ गया उनके लिए वो भगवान उसको पूरा करेगा। अभी है बाइबल संदेश, हम लोग इब्रियों का नाम से लिखा हुआ पत्र और उसमें 10 अध्याय हम लोग यहाँ से पढ़ा, वर्स 6 से हम लोग पढ़ा। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायचित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, करने आया हूँ, पूरी करने आया हूँ। सो इसी मसीहा का कहना है इस दुनिया में आने का समय ये बातचीत हो रहा है। किससे बातचीत हो रहा है? उनका शिष्य से नहीं हो रहा है। जब दुनिया में धरती में नहीं आया, पहले भेजने का तैयार कर रहा था, इसलिए उसका पिता है स्वर्गिक पिता यहोवा से बातचीत हो रहा है, बात कर रहा है, मेरे को आप एक शरीर तैयार करके भेज रहा है। आपने ध्यान देखा है, तूने तो यज्ञ यहाँ और ना चढ़वाया बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है, शरीर तयार कर रहा है। यीशु मसीहा और इसका पिता यहोवा स्वर्गिक पिता आत्मा है, हमारा जैसा शरीर नहीं है उनको, और भूत को अभी आत्मा है उनको अभी शरीर नहीं है, इसलिए राज को पकड़ेगा मेरे को पकड़ेगा, राज को हंसाएगा और कुछ किलवाट करेगा उसका साथ, और भूत पकड़ेगा तो मैं भी कैसा रहूँगा, ऐसे में कुछ ही बुरा काम करूँगा या अच्छा काम भी कर सकता है। लेकिन आत्मा एक ही है, लेकिन भगवान का तो पवित्र आत्मा है, आत्मा शक्ति है, जो अपवित्र आत्मा है वो तो शक्ति है लेकिन वो भगवान जैसे अच्छा काम नहीं करता और बुरा काम करवाता है करता है, उसको भी शरीर चाहिए। अगर यीशु मसीह वहाँ है वो वाक्य है, यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का साथ है, आत्मा है और पवित्र आत्मा है, आत्मा यहोवा आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा है। जब मैं मुर्दों के मैं मर जाऊंगा मैं आत्मा बनूंगा, मैं अभी आपको दिख रहा हूं तो शरीर है, अगर मैं मर जाऊंगा तो अगर आपका एक छाया यहां दिखेगा और आप बोलेगा मेरा बीबी है यहाँ, पादरी माँ बोलेगी उनका साया मेरा साथ है, क्योंकि ऐसे आलापन आएगा उनको, मैं जैसे उसका पास बैठा हूँ कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो यादाश रह जाएगा है ना, वो लम्हे रह जाएगा, वो इरादा कुछ है रहेगा, लेकिन साया है कुछ है, बल्कि एक शरीर दिखता नहीं है लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। अगर अपना when we get what I mean to say enlightened eyes, when we get enlightened eyes we can see the atma. अभी मैं क्या बोल रहा, बल्कि एक शरीर उनको तैयार करके भेज रहा है आत्मा, अंदर आत्मा है शरीर अपना जैसा है, और देखो वो भूख लग रहा था यीशु मसीहा को, वो भूख के लिए और खाना लेके आने के लिए शिष्य उनको गांव का अंदर चले गया, और उनको कैसे प्यास हुआ था पानी चाहिए, ऐसे अपना जैसे शरीर डालकर वो तैयार करके भेजा। इसलिए क्यों भेजा ये शरीर तैयार करके? हम लोग क्रिसमस मना रहा है, ये त्यौहार मना रहा है, हम सोचता है हैप्पी क्रिसमस करके एक कलरफुल एग्ज खा रहा है, अंडा खा रहा है, अंडा क्रिसमस का अंडा, छोटा छोटा अंडा कितना भी खाओ अंडा, और केक हम लोग खा रहे हैं, किसकी मिठास केक हम लोग खा रहे हैं, केक खाने में छोटा पीस रहेगा तो बड़ा पीस चोरी से लेके चले जाएगा, कोई कोई रखते रहेगा पूरा मुंह होते रहेगा, और इतना पसंद करते हैं केक क्योंकि उनका मिठास से हम लोग क्या हो गया फिदा हो गया,
लेकिन इतना मिठास हम लोग क्यों कर रहा है, क्यों चौहार मना रहा है? इसलिए ओ आत्मा है यीशु मसीहा शरीर डालकर यहाँ आ गया धरती पर, क्यों, किस लिए, कौन सा इरादा था उनका आने के लिए, क्या इच्छा था यंग आने के लिए? इसलिए बोल रहा है मेरे को एक शरीर तैयार करके मुझे धरती पर भेज दिया। शरीर क्यों तैयार करके, शरीर तैयार क्यों किया मुझे और क्यों भेज रहा है, मेरे को मालूम पड़ गया, यीशु मसीहा को मालूम पड़ गया, इसलिए बातचीत कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ हम सब लोगों को मालूम चलना चाहिए, आत्मा में हूँ, मेरे को शरीर क्यों डाल के यहाँ भेजा? अगर मेरे को मैं आत्मा होने से वहाँ रहना चाहिए, स्वर्ग या नरक में रहना चाहिए, अगर बुरा काम कर दिया वहाँ है, अगर बच्चा है उनका आत्मा है, यहाँ माँ का और अंदर गर्भ पीठ का अंदर हमको भेज रहा है तो आत्मा ही है, शरीर क्यों बना रहा है? आप देखिए, आप लोग अंदर नहीं देख सकते डॉक्टर, ऊपर अंदर का जो निर्माण हो रहा है माँ डॉक्टर जी, वो तो हम लोग को नहीं पता, निर्माण करने वाला डॉक्टर नहीं है और उसका हाथ नहीं रखा, कुछ नहीं कर रहा है, अगर उनका जो दया है ऐसे मनोहर को बनाना चाहिए, ऐसे शरीर बनाऊंगा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना ये रहना चाहिए करके, कहाँ रहना चाहिए वो जो वाइजाग में रहने वाला, नेलूर को भेज दिया, कुछ इरादा है उनका, इच्छा है उनका, उनका इच्छा इरादा पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ आया, नहीं तो मेरे को विशाखापट्टनम में कितना 20 साल से ज़्यादा मैं वहाँ हूँ, मैं पसंद करता हूँ आरके बीच और कैलाशगिरी, जब चाहे हम लोग घूम सकते हैं वहाँ, है ना, रात 1 बजे भी हम बीच जा सकते हैं, कार है, ऐसे पैदल जाने कितना दूरी है विशाखापट्टनम हमारा घर, क्यों यहाँ भेज दिया? यहाँ देखो पूरा धूली और कुछ मिट्टी ज़्यादा उड़ते रहते हैं और वी गेट आउट आसमा समथिंग डस्ट एलर्जी एवरीथिंग से, हम नाली है, नाली गंदा है, गंदा नाली का पास हम लोग खाते रहेगा यहाँ और बन रहा है कुछ, मैं बोल रहा हूँ क्यों भेजा, उनका शरीर क्यों दिया, वो गांव से यहाँ क्यों लाया, उनका एक इरादा है, एक अरमान है, एक इच्छा है, इसलिए आप लोग पूरा क्यों यहाँ है, और रेशमा अमेरिका जाने वाला यहाँ क्यों है, और राजू उत्तर प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश रहने वाला यहाँ नेलूर में भटक रहा है क्यों मालूम नहीं, और चमक रहा है वो यहाँ क्या करने के लिए आया, बीबी वहाँ है इसलिए उसका भी एक इरादा है। हिंदी आराधना जब स्टार्ट हुआ था जब से ये आ रहा है, जब कभी भी वो कभी अपने एब्सेंट नहीं हुआ, शायद कभी गांव गए जब तक ओ जानी जो का साथ चलता रहेगा और महेश के साथ चलता रहेगा, और ऐसे ही भगवान ने हम लोग यहाँ भेजा, एक फर्ज है भेजा, उनका इरादा है यहाँ भेजा, एक उनका तमन्ना है। और शाम ग्रुप देखिए, संगीता ग्रुप चले गया, प्रियंका ग्रुप भी चले गया, शाम प्रियंका ग्रुप चले गया, उन लोग काम कर रहे हैं कुछ वहाँ है, लेकिन यहाँ ये बैच यहाँ आ गया, ये बैच अगर दोबारा उनका पढ़ाई कम करके ट्रेनिंग और पूरा करके चले गया तो यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ एक मकसद है उन लोग को भेजने के लिए, और उनका एक मकसद है, इरादा है यीशु मसीहा का, एक शरीर डालकर यहाँ भेज दिया तैयार करके, क्या इरादा है? और यीशु मसीह ने उससे बात कर रहा है यहोवा से, स्वर्गीय पिता से, मेरे को मालूम पड़ गया, क्योंकि होम हवन और प्रायचित बलिदान आप उससे प्रसन्न नहीं होता, उससे आप प्रसन्न नहीं होगा, उससे आप चाहते नहीं है वो, आप क्या चाहते हैं मुझे मालूम है, ये शरीर तैयार किया ये तो एक इरादा है, जो कुछ कार बना रहा है उनका तो एक मकसद है, और आप लोग रसोई घर में कुछ खाना पका रहा है तो कुछ मोटा खीर बनाते हैं ना, बड़ा खाना में जो खीर बनाया किस इरादा है, आपका हस्बैंड पसंद करता, आपका आदमी पसंद करेगा उसको, आपका बच्चे पसंद करेगा, इसलिए आप बनाते हैं, और आपका जो आदमी है जो हस्बैंड है आपके लिए कुछ फूल यार चीज यार मीठा कुछ भी मिठास लाएगा तो आपका जो पसंद उनको मालूम चल गया, उसको मालूम चला इस मसीहा को, मेरे को मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर डालकर तैयार कर इस धरती पर दुनिया में भेज रहा है कि एक इरादा है, मैं जो ग्रंथ में आपने लिखा है मेरे लिए जो इरादा है आपका जो आज्ञा है वो मैं पूरा करने के लिए मेरे को भेज रहा है, इसलिए मेरे को एक शरीर तैयार करके भेज रहा है, ये शरीर में मैं आत्मा हूँ, क्या करने के लिए मैं आत्मा हो के शरीर से करना है, जो आत्मा का काम करने वाला का उन लोग ना स्वर्ग में आत्मा से काम करेगा, लेकिन शरीर डाल के सब कुछ दिखने चाहते तो शरीर डालना चाहिए, शरीर डालकर ये जमीन में और मनुष्यों का बीच में मैं रह रहा हूँ, क्योंकि ये शरीर से कुछ काम है
क्योंकि बलिदान पक्षों का नहीं, बलिदान जानवर को नहीं देगा। अगर बलि चढ़ाने के लिए मुझे भेज रहा है, मुझे मालूम चल गया, इसलिए मैं तैयार हूँ। आपने जो आज्ञा ले लिया, इससे आपने भेज रहा है तैयार करके, मैं भी तैयार हूँ, है ना, मैं भी तैयार हूँ। यह बोल रहा है, देखिए 9 में verse 9, देखिए यहाँ, तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। उनका इच्छा पूरा करने आया हूँ, उनका इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हम लोग ना माँ का इच्छा पूरा करने के लिए हम लोग चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर, लायर, समथिंग। सम पीपल स्टडी फॉर स्पेशली टू गेट दैट। माँ का और बाप का और उनका इच्छा पूरा करने के लिए हम लोग कामयाब होके और सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं हम लोग। लेकिन इस मसीहा वहाँ से यहाँ आके एक ही एक मकसद था, उनका इरादा था, उनका अरमान था, क्योंकि वो अपने लिए बलिदान होने के लिए, प्रायचित होने के लिए। क्या था अपना लोग, हम लोग शरीर में है लेकिन पवित्रता नहीं है। जो पवित्रता है, पवित्र है भगवान, भगवान से हम लोग सन्निहित रहने से, उनका संग चलने के लिए, उनका साथ रहने के लिए, उनसे हम लोग दोस्ती करने के लिए, अगर वहाँ है स्वर्गीय पिता, वहाँ जाने के लिए हम लोग पवित्र रहना चाहिए। और उस पवित्रता यहाँ नहीं है बीच में, वहाँ पाने के लिए वो ये आया, वो हम लोग को दे देगा। इसलिए बोल रहा है उसके लिए बलिदान होने के लिए मैं आया। क्रिसमस, आप सोचिए, जो हम लोग जॉन चैप्टर 3:16 में हम लोग बोलते हैं ना, यीशु मसीह दुनिया को इतना प्यार किया, कितना प्यार किया, इतना प्यार किया, कितना, इतना, इतना प्यार किया, क्योंकि उन लोग से विश्वास करे कोई भी वो सर्वनाश नहीं होगा। और he has given his begotten son to die for our sins. He gave in the sense he sacrificed. He gave in the sense उसने उनको मार डालने के लिए, कुर्बान करने के लिए भेज दिया। गेव इन द सेंस आई गेव दिस सम पैंट गिफ्ट टू रेशमा, ओके इट्स वो रखेगी लिखेगी, लेकिन वो पेन को टुकड़ाने के लिए और टुकड़ा करने के लिए और फेंक देने के लिए नहीं दिया। अगर उनने दिया इसको बलिदान करने के लिए, मार डालने के लिए और कुर्बान करने के लिए, दैट इज वॉट कॉल्ड गेव। वी ओनली रीड दैट ही गेव हिज बिगॉटन सन टू डाई फॉर आवर सिंस, है ना, सन्डे स्कूल में, whomsoever believeth in him shall not perish and have everlasting life। क्यों दिया है यीशु मसीह का अपना जैसे जिंदगी बढ़ाकर और शादी करके अच्छा खूबसूरत लड़की, है ना, वो जैसे फिल्मी एक्ट्रेस रहेगी, ऐसे फिल्मी एक्ट्रेस जैसे, वाह उसका सूरत देख के और पसंद करके शादी किया और लव किया, शादी किया, उसका साथ जिंदगी निभाया, शादी किया, एक अच्छा आदमी को देख कर, लड़का को, वो लड़का को देख के प्यार किया, शादी किया और बच्चा पैदा किया, घर बसाया, घर बनाया और दो घर नहीं तीन घर, हरनाथपुरम में एक घर और बटवाड़ेपाल में एक घर, कहीं भी जाओ हाईवे में एक घर, और अपना बच्चे के लिए कमाया और कुछ भी किया। ऐसे मकसद में यीशु मसीहा नहीं आया, लेकिन ऐसे मकसद है हमारा, बच्चों के लिए, उनके लिए हम लोग जी रहे, शरीर में है हम लोग, शरीर जैसे हम लोग जीते हैं, लेकिन इस मसीहा ऐसे शरीर डाल के आया, तैयार करके आया और इस शरीर में है, लेकिन ऐसे इच्छा नहीं है। क्या था अपना, उनका जो बच्चा है, हम सब उनका बच्चा है, उनको बचाने के लिए आया। इससे कॉल्ड क्रिसमस, क्राइस्ट मास, उनको हम लोग स्तुति करेंगे, आराधना कर रहा है। क्या स्तुति कर रहे हैं हम लोग, मास इन द सेंस वर्शिप, what we are worshiping him because you are great, you came to die for our sins। aapne qurban hone ke liye aaya, aapka lahu bahane ke liye aaya। dekhiye dost ke paas jaiye jab aapka jo kam pad gaya kuch bhi, if you are in the financial status or kam hua, aap kuch kami se aap gaya, kuch mang rahe the, aapko chahiye, jaake puchne se aap dega nahi, abhi cheez dega nahi, aur lahu kon dega, yesu masiha ne lahu bahane ke liye aaya। इतना इतना नहीं दिया, कितना बहाया, बहा दिया। इसलिए उसका इरादा बोल रहा है, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया। क्या था उनका इच्छा, क्या था उनका इच्छा, इनका स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है? उनका इच्छा है आप जाओ उनके लिए, आप बलिदान हो जाओ, जाओ आप हवन बन जाओ, जाओ आप होम बन जाओ। हवन, होम और प्रायचित बलिदान से प्रसन्न नहीं वो होगा। अगर प्रसन्न होगा ये शरीर बलिदान करने से और बलि चढ़ाने से, उसके लिए वो प्रसन्न होगा। उनका बेटा, एकलौता बेटा बलिदान हो रहा है, बलि हो रहा है, लहू बहा रहा है,
और दुनिया के लिए और स्वर्ग के पिता बच्चे हमारा लिए जो उनका प्रसन्न है। देखिए अगर यीशु मसीह ने बलि चढ़ाया, बलिदान हो गया, लहू बहा रहा है, अगर स्वर्गिक पिता वो एकलौता बेटा था, वो एकलौता बेटा मर रहा तो वो प्रसन्न हो जा रहा है, पापों से बचाने के लिए बलिदान हो रहा है। क्यों बलि, क्यों ये लहू बहाना? पाप पूरा जाने से एक पवित्र वो लहू से ही, रक्त से होगा, किसी से नहीं होगा। अगर हमारा जो बीमार है डॉक्टर वो निकाल सकता है, अंदर का जो बीमार है पाप है सोच है वो कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए वो जो सोच है और जो हमदर्दी बन गया वो, इसके लिए प्रसन्न क्या होगा? वो बलिदान हो गया। इसलिए आपने आपका पड़ोसी के लिए, आपका भाई के लिए, बहन के लिए, दुनिया में बेदर्दी नहीं है, जो अंधेरे में चल रहा है, जालिम है, उन लोग ने बेवफा हो गया, उन लोग ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, पापों से, संकटों से, गांव से उन लोग मर जा रहा है, उनके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? आपके लिए बलिदान हो गया, वो शरीर डालकर यहाँ आया, स्वर्गीय पिता ने उसको शरीर तैयार करके भेजा। वो शरीर वो अपना जैसे वो शरीर वाला नहीं है, अंदर आत्मा है, यीशु मसीह है। बताओ सब लोग इसके लिए चीख चीख के चिल्ला के बताने के लिए, पुकार के बताने के लिए आया वो। हम लोग वो करना चाहिए क्रिसमस में। वी आर गोइंग द कैरल्स इज गोइंग ऑन यूनाइटेड कैरल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक गाना बाद एक गाना है ना, कंटाटा। कोई लिरिक्स समझेगा मैं बोल रहा हूँ? कैन एनी वन नोज द लिरिक इन हिंदू पीपल? आई थिंक समझ में आया। एनी वन इन द स्ट्रीट जो हुआ, दे सी द म्यूजिक, दे सी द गिटार साउंड, दे सी द फ्लूट साउंड, बट लिरिक्स कौन पता चलेगा? किसको पता चलेगा लिरिक? अभी गा रहे थे कितना दिन से, मेरे आज वाला मैं सुन लिया कि उसका कीमत ज़्यादा है। अरे यार यार मैं पकड़ लिया, कीमत हमारा नहीं उनका कीमत। कोई ऐसा पकड़ने वाला है तो उनको रक्षणा, मतलब उन लोग इस मसीह को पहचानेगा। ऐसा देखो पुकार के बन, हमारा जो कैरल से जो प्रकट कर रहा है, सबका अंदर जाना चाहिए, छा जाना चाहिए अंदर, ऐसे हम लोग बताना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनका इरादा है, यीशु मसीह का भेजने का इरादा है। हम लोग ना उनको बार बार ये दिन आ रहे तो बार बार हम क्या बना रहे, बर्थडे बना ले। जीसस नेवर कोई बनाया बर्थडे कहीं बाइबल में? टू ईयर्स and he ordered that Herod kill children, kill all the children, those who are about two years, do saal ka bachchon ko sabko maar dal do. Ya Yesu Masih yahan aaye the, Nazareth chale gaye the wahan, agar wahan aise ho rahe to kaise birthday ban jayega? Birthday since we always remember, ek saal ye saal ho gaya, dobara saal aaye, dobara saal, saal aate rahega, bar bar ye saal aate rahega. What is the day of celebration? Aapko maloom hai aapka janmdin kyun hua? Aap maloom hai aapka sharir kyun dal ke aap yahan bheja? Aapko maloom hai kyun aap Nellore aaya? Aapko maloom hai kyun aap travel, kisko ne pucha ticket, pucha kahin aap log ko safar mein ja rahe, agar ticket collector aake pucha kahan jana hai, lekin ki bus mein chada, मेरे को नहीं मालूम कहाँ जाना, ही बोल दिया अम्मा, क्या बोलेगा सब लोग? कहाँ जाना मुझे मालूम नहीं है, ही विजयवाड़ जाना है? नहीं, अगर ये विजयवाड़ जा रहा है ट्रेन तो मैं तिरुपति जाना है बोलने से क्या बोलेगा सब लोग? बोले अरे यार तो विजयवाड़ा जाता है, तिरुपति नहीं है। नहीं मैं तिरुपति जाऊँगा, क्या बनेगा? पगला कहीं का आया, उतर जा। अगर आपको जाने का जो वो गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, कहाँ जाना आपको पता नहीं चला, अगर आप क्यों शरीर पे आए आपको पता नहीं चला, जब हमने बाइबल पढ़ रहे तो उनका प्रवचन नहीं पता चला, जब क्रिसमस मना रहे तो त्यौहार नहीं पता चला, आपने जो काम कर रहा है बेदर्दी से कर रहा है यीशु मसीह का, वो तो क्यों कर रहा है पता नहीं चला, गा रहा है क्यों गा रहा है पता नहीं चला, मैं संदेश दे रहा हूँ क्यों पता नहीं चला, ऐसे लिख के मैं बोल रहा हूँ, कुछ लिख के नहीं बोल रहा हूँ, अंदर से दिल से मैं बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग गाना गाते दिल से है ना, कुछ भी गाना दिल से, और जो बाइबल संदेश दिल से, हम लोग गाते हैं दिल से, और शादी करते हैं दिल से, कुछ कपड़ा खरीदते दिल से। आपका पसंद का कपड़ा खरीदेगा ना, लेकिन कोई बोला खरीदेगा नहीं, सबसे दिल से करता है। लेकिन ये तो व्हाट आई मीन से इट इज अ सुपरस्टिजन, और हर बार आते हैं ना वो, व्हाट यू मीन टू से दैट मैकेनिकल प्रोसेस गोइंग,
से हम लोग पता चले मैं पैदा हुआ, शरीर तैयार करके उसको भेजा, हम लोग की माँ का अंदर वो शरीर तैयार करके भेजा। माँ को भी एक इरादा है, उनका इरादा इच्छा यीशु मसीहा ने पूरा किया, तो हमका हमारा अंदर भी एक इरादा रखा, हमारा ऊपर भी एक मकसद है। वो मकसद, वो इरादा, लेकिन वो इच्छा पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ है, तो वो मकसद पूरा करेंगे। शरीर में से आप निकल जाएगा ना, कभी एक दिन निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ना, शाम एक दिन ये शरीर से आत्मा निकल जाएगा। कहाँ? अब ढूंढेगा भी नहीं कहीं, और शरीर यहाँ डालकर वो ऊपर चले जाएगा बिना बोल के। कहाँ जाएगा? जन्नत जाएगा और स्वर्ग जाएगा, नरक में रहेगा किसी को नहीं पता। लेकिन जब तक आपने जो उसका इरादा इच्छा नहीं पूरा करके जाएगा तो कहाँ रहेगा? यीशु मसीह बोला जो ग्रंथ में आपने लिखा ना मेरे लिए, अरे मेरे लिए आपने लिखा ना स्वर्गीय पिता, मेरे को मालूम है मेरे को शरीर तैयार करके भेज रहा है। वो तैयारी क्यों कर रहा है? पक्षियों का बलिदान उनका हवन कर रहा है, होम है, उस बलिदान से, प्रायश्चित बलि से आपको प्रसन्न है, आप प्रसन्न नहीं होगा मेरे को मालूम है। आप प्रसन्न होगा जब मैं बलि चढ़ाऊंगा, जब प्रसन्न होगा मैं सबके लिए प्रायश्चित करूंगा, जब आप प्रसन्न होगा सबके लिए मैं लहू बहाएगा। सो उनका इरादा वही, दैट्स व्हाई गॉड सेंड हिज बिलव्ड सन टू डाई फॉर आवर सिंस, हुम द एवर बिलीव इन हिम एंड शैल नॉट पेरिश एंड हैव एवरलास्टिंग लाइफ। आपको वहां मतलब वो जो जीवन है वो देने के लिए वो मर गया, आप क्या करेगा? आपका इरादा नहीं है? यहां समर्पित करता हूं, जैसे मैं जी रहा हूं, जैसे जी रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, नींद उठ के और आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे कोई बोलेगा? ऐसे कुत्ता जिएगा, ऐसे कुछ पक्षी जीता है, ऐसे जिंदगी हम लोग दोबारा नहीं। एक मकसद है, पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग, क्या मतलब था वो? बिल्डिंग मटेरियल बनाया, क्या मतलब था? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाए, घर बना रहे किसके लिए? कितना घर में रहेगा महेश आप? एक दो चार घर हम लोग ओपन किया, और चार घर बनाए, कहाँ चार घर, किसके लिए? एक घर तो है यहाँ बालाजी नगर में, कितना घर बनाएगा? घर बना रहे आप लेने के लिए, घर बेचने के लिए बना रहे काम? मैं नहीं बना रहा, मेरे को नहीं मालूम। आप जीने के लिए, कुछ कमाने के लिए घर बनाते हो, डॉक्टर बनते हो कुछ कमाने के लिए, ज़्यादा इंजीनियर बनते हो ज़्यादा बनाने के लिए, लायर बनते हो उल्टा पिल्टा आप कुछ बात करके, हे लायर देखिए उल्टा पिल्टा बात करके आप क्या लेते हो? किस लिए? इरादा नहीं है आपका, इच्छा नहीं है, गोल नहीं है, गोल सेट नहीं किया। क्या था वो मकसद? उसको पता है, उसको पता है। इस समस्या क्या बोल रहे क्रिसमस संदेश में? हम लोग की वो इच्छा अपना ऊपर भी है, जो ग्रंथ में उसको लिख के भेजा नहीं, हम लोग को भी ऐसे लिख के भेजा, क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, उनको पता करो, प्रेर प्रार्थना करो, आंसू बहाओ, आप लोग सब लोगों को उपलब्ध हो, सफलता प्राप्त करो। उनका जो क्रिसमस बना के हर साल केक मत खाओ, लेकिन खाते वो मिठास का वो बात है। क्या बात है? वो मुर्द नहीं है यीशु मसीह, वो जाग उठा है वो, और सबके लिए वो दिखा और सुसमाचार बढ़ाया, बोला मेरे लिए बोलो हमदर्दी बनो, हमदर्दी बनो। हम बेदर्दी हो रहा है, बेईमान हो जा रहे, फर्ज नहीं ले रहे हम लोग फर्ज लेने का तैयार नहीं। कोई खाना बनाएगा, कोई खाएगा। जिंदगी इसलिए दिया, इनको एक मकसद है, जिंदगी इसलिए दिया उनका पास जाने के लिए, जिंदगी इसलिए दिया उनका काम में कामयाब होने के लिए, इस जिंदगी इसलिए दिया यीशु मसीह के लिए बोलने के लिए। हम लोग चुपचाप ये जा रहे, उसके बाद अस्पताल गया, बेड में था, जब बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं मर जा रहा हूँ, मेरा अंतिम एक इच्छा है वो पूरा करेगा, अच्छा बड़ा खाना और खीर ला के खिलाओ, मैं मर जाऊँगा। हाँ आप बड़ा कीर बड़ा खाना खा के मर जाएगा, लेकिन क्या कहाँ जाएगा? इसलिए यीशु मसीह ये बोलने के लिए आया, आपको सब लोग यहाँ आएगा और जाएगा भी, इनका बीच में जो काम है वो करो मेरे जैसे, और भगवान जो है उनका इच्छा पूरा करो। वो बोल रहा है आप ग्रंथ में लिखा है इसका पूरा करके ही जाऊँगा, इसलिए वो मर के और अपना को जीवन नया जीवन दे के चले गया। अब समझ में आया होगा उनका इरादा है वो पूरा करेंगे, उनका इच्छा है पूरा करेंगे। प्रार्थना करेंगे। परमपिता आपका चरणों पर हमला आया है, आपका एकलौता बेटा यीशु मसीहा ने आप जो दिया गया है वो आज्ञा पालन करके और बलिदान होके और आपका इच्छा पूरा किया, इसलिए हम भी आपका इरादा क्या है पहचान के वो हम उनके लिए हम लोग तड़प के उनको पाके और वरदान
हम लोग को फर्ज जैसे हम लोग समझ कर आगे बढ़ाएंगे। सब लोग उनका जो वरदान है उन लोग पहचानने के लिए मौका दीजिए, हिंदी आराधना आगे बढ़े। आपका हम आपका साथ है। यीशु मसीह का नाम से ये प्रार्थना समर्पित करता हूँ।